हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स एक्सरसाइज सॉल्व करनी हमें, जो कि पेज नंबर 82 पे दी है। सॉल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन बिलो, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया है, इफ 126 पेपरमिंट स्वीट्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 9 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट। तो प्रॉब्लम में आपको दिया है कि पेपरमिंट स्वीट्स जो है टोटल कितने हैं, 126 है, और 9 चिल्ड्रन में हमें उसे क्या इक्वली बांटना है, डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 126 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, 126 पेपरमिंट स्वीट्स आर डिवाइड इक्वली बिटवीन 9 चिल्ड्रन, कि 9 बच्चों में हमें इक्वली क्या करने हैं, बांटने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ईच चाइल्ड को कितने मिलेगा ये हम देखेंगे यहाँ पे, हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट। तो हर एक बच्चे को कितने पेपरमिंट मिलेंगे वो हमें निकालना है। तो ईच चाइल्ड गेट हर एक बच्चे को कितना मिलेगा ये अगर हमें निकालना है, तो 126 डिवाइडेड बाय 9 हमें करना होगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 126 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे देखिए हमें 9 का टेबल आना चाहिए। तो 9 के टेबल में 1 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 1 ये 9 से छोटा नंबर है। तो 9 जीरो जा जीरो करेंगे, 1 माइनस जीरो आएगा जीरो, सॉरी 1 माइनस जीरो आएगा 1। और नेक्स्ट नंबर क्या दिया है हमें, 2 दिया है, तो ये नंबर क्या बनेगा, 12 बन जाएगा। तो अभी 12 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। तो 12 से छोटा नंबर तो 9 ही आएगा, 9 वन जा 9। तो यहाँ पे करेंगे 9 वन जा 9, और 12 माइनस 9 हमें करना होगा, तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट नंबर हमें दिया है 6, तो यहाँ पे नंबर कितना मिलेगा हमें, 36 मिलेगा। तो 36 9 के टेबल में आते हैं, 9 फोर जा 36, तो 9 फोर जा 36, तो 36 माइनस 36 आएगा 0, 0। तो आंसर कितना आया यहाँ पे हमारा, 14, कि 14 पेपरमिंट स्वीट जो है हर एक बच्चे को मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे, ईच चाइल्ड विल गेट हाउ मेनी पेपरमिंट स्वीट्स, विल गेट 14 पेपरमिंट स्वीट्स। तो हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 14 मिलेंगे। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। सेकेंड प्रॉब्लम आपको दिया है, इन अ फील्ड इफ 987 सैपलिंग्स आर प्लांटेड इन 7 रोज विद एन इक्वल नंबर ऑफ सीडलिंग इन ईच रो, हाउ मेनी सीडलिंग आर प्लांटेड इन ईच रो। तो फील्ड में हमें 987 सैपलिंग्स अगर प्लांट किए गए हैं 7 रोज में, और हर एक रो में इक्वल नंबर में हमने सैपलिंग जो है, प्लांट्स जो है लगाए हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है कि हाउ मेनी सीडलिंग्स आर प्लांटेड इन ईच रो। तो हर एक रो में ऐसे कितने प्लांट्स हमने लगाए हैं वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, 987 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वल नंबर सैपलिंग्स मिलेंगे। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, 987 सैपलिंग प्लांटेड, सैपलिंग्स आर प्लांटेड इन 7 रोज। कितने रोज दिए हमें, इन 7 रोज, और इक्वल नंबर में दिया है वो हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सीडलिंग्स आर प्लांटेड इन ईच रो हमें निकालना है, प्लांटेड इन ईच रो, कि हर एक रो में कितने प्लांट्स है या फिर कितने सीडलिंग्स है वो हमें निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 987 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 987 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 वन जा 7, 9 माइनस 7 क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट नंबर है 8, इसको यहाँ पे लेंगे तो नंबर मिलेगा 28। तो 7 के टेबल में 28 आते हैं फोर प्लेस पे, तो 7 फोर जा 28, तो 28 माइनस 28 जीरो, जीरो। नेक्स्ट नंबर है 7, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 आता है 7 के टेबल में, 7 वन जा 7 ये आएगा जीरो, जीरो।
आंसर मिलेगा हमें 141, कि कितने सीडलिंग्स हम लगा सकते हैं ईच रो में, 141। तो यहाँ पे लिखेंगे 141 सीडलिंग्स आर प्लांटेड इन ईच रो, इन ईच रो। थर्ड प्रॉब्लम आपको दिया है, इफ अ हॉस्टल हैज 132 स्टूडेंट्स विथ 3 स्टूडेंट्स इन वन रूम, इन हाउ मेनी रूम्स आर द स्टूडेंट्स स्टेइंग। तो एक हॉस्टल में अगर 132 स्टूडेंट्स है विथ 3 स्टूडेंट्स इन अ वन रूम, के एक वन रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इन हाउ मेनी रूम्स आर द स्टूडेंट स्टेइंग। तो ऐसे कितने रूम्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, ये हमें निकालना है। तो हमें दिया क्या है, 132 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, या फिर 132 स्टूडेंट स्टेइंग इन हॉस्टल। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, कि हाउ मेनी रूम्स आर दी स्टूडेंट स्टेइंग, तो कितने रूम्स में स्टूडेंट्स रहते हैं, ये हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 132 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें आंसर मिलेगा। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 को, तो 1 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा नंबर है। तो 3 0 जा 0, तो 1 माइनस 0 आएगा 1, नेक्स्ट नंबर है 3, तो यहाँ पे नंबर मिलेगा हमें 13। तो 13 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, लेकिन 13 से छोटा नंबर आता है, 3 4 जा 12, तो 13 माइनस 12 क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट नंबर है 2, इसे हम लिखेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, अभी हमने देखा 3 4 जा 12, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 44 मिलेगा। तो ये होगा हमारा आंसर 44। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ मेनी रूम्स आर द स्टूडेंट स्टेइंग, तो इन 52 यहाँ पे लिखेंगे आंसर, इन 44 रूम्स स्टूडेंट्स आर स्टेइंग। फोर्थ प्रॉब्लम आपको दिया है, हाउ मेनी बुके कैन बी मेड फ्रॉम 340 फ्लावर्स विथ 8 फ्लावर्स इन ईच बुके, हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी लेफ्ट ओवर। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, कि 340 फ्लावर्स आपको दिए हैं टोटल, इसमें से आपको क्या करना है, 8 8 फ्लावर्स लेकर एक बुके बनाना है। तो ऐसे कितने बुके बन सकते हैं, ये आपको निकालना है, एंड हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी लेफ्ट ओवर, और कितने फ्लावर्स बचेंगे, ये आपको निकालना है। तो टोटल फ्लावर हमें कितने दिए हैं, टोटल फ्लावर्स 340, और कितने फ्लावर से हमें बनाना है, 8 फ्लावर से बनाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमें क्या लिखना होगा, कि विथ 8 फ्लावर्स इन ईच बकेट बुके हमने लिखना है, तो कितने बुके हम बना सकते हैं, तो बुके कैन बी मेड एंड फ्लावर्स विल बी लेफ्ट, ये हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, 340 डिवाइडेड बाय 8, ये अगर हम सॉल्व करते तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो 340 डिवाइडेड बाय 8, तो 3 नंबर 8 से कैसा है, छोटा है, तो इसे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 8 0 जा 0, 3 माइनस 0 आएगा 3, नेक्स्ट नंबर 4 है, तो ये नंबर बन जाएगा 34। तो अभी हम देखेंगे कि 34 8 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं, तो 34 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 32 आता है, तो 8 4 जा 32, तो 34 माइनस 32 करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट नंबर है 0, इसे अगर हम यहाँ पे लेंगे तो नंबर बनेगा 20, तो 20 8 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो 20 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 16, तो 8 2 जा 16 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 20 माइनस 16 अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, कि बुके कैन बी मेड एंड फ्लावर्स विल बी लेफ्ट, तो यहाँ पे बुके कितने बनेंगे, 42 बनेंगे, और फ्लावर्स कितने बचेंगे, 4। तो आंसर में हमें लिखना होगा वी कैन मेड, या फिर बुके कैन बी मेड कितने होंगे, टोटल 42, एंड फ्लावर्स विल बी लेफ्ट, या फिर ऐसे लिखेंगे 4 फ्लावर्स विल बी लेफ्ट,
यहाँ पे लिखना होगा फोर फ्लावर्स विल बी लेफ्ट, या फिर फ्लावर्स विल बी लेफ्ट इज इक्वल टू फोर, ऐसे भी लिख सकते हो। फोर्थ प्रॉब्लम आपको दिया है, इफ़ वी पुट सिक्स बिस्किट इन वन पैकेट, हाउ मेनी पैकेट कैन बी मेड फ्रॉम 600 बिस्किट। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इस प्रॉब्लम में क्या दिया है कि अगर हम एक पैकेट में 6 बिस्किट रखते हैं तो ऐसे कितने पैकेट्स बनेंगे 600 बिस्किट से। तो 600 बिस्किट के लिए हम कितने पैकेट्स बना सकते हैं ये हमें निकालना है। तो हमें दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, वी पुट 6 बिस्किट इन वन पैकेट। तो एक पैकेट में 6 बिस्किट हम रख सकते हैं और हमें निकालना क्या है, पैकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम 600 बिस्किट, कि 600 बिस्किट के लिए हम कितने पैकेट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 वन ज़ा 6, 6 माइनस 6 क्या होगा 0, नेक्स्ट नंबर है 0, तो 6 0 ज़ा 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 फिर से क्या होगा 0, नेक्स्ट नंबर है 0, तो इसको भी करेंगे 6 0 ज़ा 0, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारा 100। ऐसे कितने पैकेट्स हम बना सकते हैं, 100 पैकेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 पैकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम 600 बिस्किट्स।